Pakistan is not a second home. It is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff, General Sayed Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing a number. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है. हम दोस्त नहीं, खानदान हैं. हमें किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं. हम एक और मुत्तहिद हैं. सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब. कहा, SIFC की सहूलत कारी हमारे लिए अहम है. जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, सऊदी अरब में सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे. उन्होंने रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया. पाकिस्तान के साथ 27 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे. तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना होगा. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबराह वलीद अल मुर्शिद बोले, सरमायाकारी के मौके फराहम करने पर पाकिस्तानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं. This occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. Now the focus is total economy. We should go back to our goal of joining G20. Pakistan aur Saudi Arab ki strategic sharakatdari naye daur mein dakhil ho gayi. Pakistan jald duniya ki 24vi maishat bankar ubharega. Naib Wazir Azam Ishaq Dar ka business forum se khitab. Kaha hamari tawajjuh ka markaz sirf maishat ki bahali hai. हमें G20 में शमूलियत के अपने मकसद की जानिब लौटना है. रियासती मिल्कियती इदारों के निजकारी का अमल जारी है. इन इकदामात से हमारी मईशत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश और मुस्तहकम माहौल फराहम करेगी. Over the last 12 to 14 months we have had and we've made very tangible progress in terms of the macroeconomic stability. On the fiscal side, we were in primary surplus. We are very clear in the government that the government has no business in being in business. معاشی محاذ پر ہم بہترین پوزیشن میں آ گئے. نجی شعبے کی شراکت داری سے ملک کی معیشت مستحکم کر سکتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں, حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں, پالیسی فریم ورک میں تسلسل دینا ہے. معاشی اصلاحات کے لیے ہم بہت پرعزم ہیں. وزیر تجارت جام کمال کا کہنا ہے, سعودی عرب پاکستان میں زراعت, کانکنی, IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا. پاکستانی کمپنیاں سعودی عرب کے ویژن 2030 میں شراکت اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہتر پوزیشن میں ہیں. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک بولے, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں. ہماری کامیابی مل کر انقلاب لائے گی. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तजारती वफ के हमरा मुलाकात. बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में तावन मजबूत बनाने के इकदामात पर गुफ्तगू. आर्मी चीफ का शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर. कहा, सऊदी तजारती वफ की आमद पायदार और बरादराना तालुकात के इक्कास है. पाकिस्तानी आवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं. तवक्को है इस दौरे से दोनों मुल्कों को फायदा होगा. जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी तजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात. ज़राअत और IT के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर जोर. सदर ने कहा, बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलमुद्दती और आजमूदा ताल्लुकात हैं. इन ताल्लुकात को तवीलमुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए. सऊदी वजीर बोले, पाकिस्तान के तामीरात इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है. मुख्तलिफ शोबों में माहिदों से दो तरफा इक्तिसादी ताबुन के नए दौर का आगाज होगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास. SIFC मुख्तलिफ मुल्कों के साथ याददाश्त की दस्तावेज और मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी. सऊदी और चीनी कंपनियों से मुआहदों की तौसीक कराए जाने का इम्कान. शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में आज सऊदी वफ़ के एजाज़ में इशाया देंगे.
सऊदी सरमायाकारों का वफ्द, वफाकी वुजरा और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। आईनी तरमीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, उनको वहाँ पे फायज करने के लिए। और ये चीज़ हम लोग मान नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस का फिल फॉर पाकिस्तान का जो इस वक्त तरीक़ाकार है अदालत का, उसके जरिए उनकी नामजदगी होनी चाहिए। आईनी तरमीम का एक ही मकसद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी है, ये नहीं मान सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अगले चीफ जस्टिस की अदालती तरीक़ाकार के तहत फिल फॉर नामजदगी होनी चाहिए। आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी बेंच बनना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है कि मौलाना की मर्जी के बगैर गैर आईनी तरामीम लाना मुश्किल है। बिलावल ने अपनी नौकरी के लिए सारे उसूल ज़िबा कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म दे दिया। केपी हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाप्त की। सीडीए के वकील ने कहा गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी हैं। पहला नोटिस 2014 में दिया था, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो देख लेंगे। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोथा गुमशुदगी केस में वजारत दाखिला और दिफा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजार पंजोथा एक वकील, सियासी वर्कर और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी शहरी हैं। इस्लामाबाद में ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही हो गया है। आईजी साहब, आप कस्टोडियन हैं, बताएं ऐसा क्यों हो रहा है? आईजी ने कहा, हम इन्हें ढूंढ रहे हैं, स्पेशल टीम भी बना दी है। इंतजार पंजोथा के वकील बोले, हमें तो उम्मीद थी कि आईजी साहब इंतजार पंजोथा को साथ लेकर आएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आईजी साहब के पास ऐसी कोई छड़ी होती तो ले आते, यकीन रखें इन्वेस्टिगेशन महफूज हाथों में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीएमडीसी को एमडी कैग की हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तलबा की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया। पीएमडीसी समेत दीगर फरीकों को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी करके 28 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया था, एमडी कैग के नतज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले होंगे। टेस्ट में पूछे गए 200 सवाल में से 30 गलत थे। सुने होंगे जाली इलेक्शंस होना, रिगिंग होना, बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, मगर आज तक आपने घोस्ट वोटर्स का नहीं सुना होगा, जो इतनी बड़ी 50 लाख तकरीबन लगभग जो है तादाद है वो घोस्ट वोटर्स की है, वो इंडियंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। भारतीय फौज और एजेंसियों की मदद से मकबूजा कश्मीर में फ्रॉड इलेक्शन करवाए गए। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, 50 लाख घोस्ट वोटर्स ने वोट कास्ट किया, ऐसा पहली बार होते हुए देखा है। आरएसएस का नेटवर्क फैलता जा रहा है, भारत तमाम हुर्रियत रहनुमाओं को रिहा करे। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत, जो रूट और हैडब्रुक की डबल सेंचुरियां। इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 700 से ज्यादा रन बना लिए। चौथी विकेट पर 450 से ज्यादा रन की शराकत। इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 150 रन की बढ़तरी। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।